वाइट करना है। मैं डायरेक्टर साहब से ही बात हुई थी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से भी और डिविजनल कमिश्नर साहब से, सभी ने आश्वासन दिया कि आपकी मांगें जो वो जायज है और इन्हें हम पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और जो कल हमारी डायरेक्टर साहब के साथ मीटिंग हुई है उसमें उन्हें ये निर्णय लिया गया है कि 100 वार के जो सेनेलिटी लिस्ट है जितने परमानेंट होने वाले बंदे हैं उनकी निकाल दी जाएगी और उसमें से कम भी महीना तो लगता ही है कागज इकट्ठे करने में जो भी है करके, एक महीने का टाइम है इनके पास। और जो 2.5 दिन की सैलरी की जो हमारी मांग थी वो तनख्वाह के साथ अटैच कर दी गई है। और जितने भी हमारे आदमियों को ट्रांसफ़र आर्डर निकाले गए थे जहाँ कईयों को बाहर निकालने के लिए धमकी धमकी दी थी, आर्डर निकाले थे, वो सभी के सभी कैंसिल कर लिए गए हैं। और उसमें एक ये भी हमने मुद्दा रखा था कि जो 15 दिन हड़ताल चली है 16 दिन, जिसमें हमारे किसी भी सफाई कर्मचारी के पैसे नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि सफाई अगर गंद पड़ा तो उठाना भी सफाई वाले नहीं हैं। इसीलिए हम सब ने मिलकर और यूनियन के सदस्य भी हमारे दास चीता जी चेयरमैन थे वहाँ पर और हमारी पूरी अर्बन लोकल बॉडी टीम थी और जिनके सामने ये फैसला हुआ है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपके सभी बंदे परमानेंट भी होंगे और आपका कोई भी मसला पीछे नहीं छूटेगा। और ये लिखित में दिया गया है, सस्पेंशन आर्डर है जो आज 11 बजे तक सभी के सभी वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। और आज 11 बजे का डायरेक्टर साहब ने हमें टाइम दिया है कि आपको जो लेटर है वो मिल जाएगा।